Hello everyone, in previous class we have studied about multiplication with decimal and exercise 2.5 के बारे में हमने study, exercise 2.6 के बारे में हमने study किया था. In this lecture we have studied about division with decimal and कुछ examples solve करेंगे और उसके बाद exercise करेंगे. Okay? तो division with decimal, तो division कैसे होता है decimal में, तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. फॉर जनरल 4.3 डिवाइड बाय 2, ऐसा हमें नंबर गिवन है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो डेसिमल में हमें गिवन है उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10. अब मैंने आपको बताया था जब हमने फ्रैक्शन वाले डिवीजन किए थे तो साइन चेंज होगी, डिवीजन का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, एंड टू का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई भी दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 आए तो उसे क्या कहते हैं, उसका रेसिप्रोकल. तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2. ओके, सिंपली क्या होता है, न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है. अब सिंपली ये तो आपका आता ही है मल्टीप्लिकेशन विथ फ्रैक्शन. तो 43 1 जा 43 एंड 10 2 जा 20. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, 20 2 जा 40 प्लस 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं. थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स बाय एट नाइन. ऐसा हमें नंबर गिवन है तो क्या करेंगे, फर्स्ट से स्टेप होगा हमारा कि जो पॉइंट है वो हम निकाल देंगे. तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 10. डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा. अब डिवीजन की साइन चेंज करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 का रेसिप्रोकल 1/9. अब यहाँ पर 9 के टेबल में 36 आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे. 9 4 जा 36, 4/10. अभी भी हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, जब तक उसके फैक्टर निकल रहे हैं और कैंसिल आउट हो रहा है तब तक हम करेंगे. तो 2 के 4 के 2 फैक्टर बढ़ेंगे, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10. तो 2 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/5. ओके, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन विथ, जैसे हमने इसके पहले के लेक्चर में हमने स्टडी किया था मल्टीप्लिकेशन विथ 10, 100 एंड 1000, तो डिवीजन में भी सेम. मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में किस तरफ ज़्यादा पॉइंट, राइट हैंड साइड पर, और डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड पर. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इन जनरल ऐसा हमें नंबर गिवन है और क्या करना है, डिवीजन. तो इसको ऐसे साइड में लिख के करेंगे, डिवाइड बाय 10. तो इन जनरल क्या होगा, 3 4 3 बाय 100, मल्टीप्लीकेशन होगा डिवाइड का और 1/10. तो डिनोमिनेटर में कितने हो गया, 1000 3 4 3 3 0 हो गए, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 3 4 3 उसके बाद पॉइंट आएगा, बाद में 0. मैंने आपको बताया जो डिवीजन होता है तो पॉइंट किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ. अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो वो किस तरफ जाता, राइट हैंड साइड के ओर. 100 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0343.
थाउजेंड के साथ 0.00343। क्लियर, कैसे आ रहा है वो? सेम यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं 100 लग कर दूँ तो ये 1/100 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, 0.0343। सेम अगर 1,000 होता तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ जाता। तो पॉइंट किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये काफ़ी ईजी था, इस तरह से आप इसका डिवीज़न कर सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो बुक में हमें गिवन है। एग्जांपल नंबर 9 में हमें एवरेज फाइंड करने को कहा गया है। 3 नंबर है, 4.2, 3.8 एंड 7.6। तो एवरेज के बारे में आप स्टडी कर चुके होंगे। एवरेज में क्या होता है, जो नंबर के हमें एवरेज फाइंड करनी है उन सभी का एडिशन, और टोटल नंबर है उतने नंबर के साथ डिवीजन हो गया। यानी हमें यहाँ पर 3 नंबर गिवन है तो उन तीनों का एडिशन होगा। एवरेज फाइंड करने हो तो डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर है, 1, 2 और 3, तो उसका 3 के साथ डिवीजन। अब ऊपर वाले का एडिशन करेंगे तो 8 और 2 10, 10 प्लस 6 16, 1 कैरी 8, और 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, 10 प्लस 4 14 प्लस 5 15 5, यहाँ पर पॉइंट, ओके 50.3 डिवाइड बाय 3, ऐसा होगा। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन तो रफ में आप ऐसे कर सकते हो, 3 पॉइंट हम अभी नहीं रखते, बाद में ऐड कर देंगे। 3 5 50 0 0 6 कैरी, 3 2 6, तो कितने आए, 52। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर भी हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे, तो इसका एवरेज क्या मिला हमें, 5.2। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट सम है, हमें एक रेगुलर पॉलीगन गिवन है, इज 2.5 सेमी इन लेंथ, द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज 12.5 सेमी, तो हाउ मेनी साइड डिज डज द पॉलीगन हैव। यानी एक पॉलीगन हमें गिवन है, उसकी वन साइड की लेंथ हमें दी गई और उसकी पेरीमीटर हमें गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है कि उस पॉलीगन की कितनी साइड है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर क्या गिवन है, 12.5 सेमी, लेंथ हमें गिवन है 2.5 सेमी, ओके, तो हमें उसकी साइड फाइंड करनी है। तो साइड, अब पेरीमीटर सपोज कि ट्राइंगल है, उसकी वन साइड हमें गिवन है कि 2.5 एंड उसकी पेरीमीटर हमें गिवन है कि क्या है, पेरीमीटर हमें 12.5 गिवन है, तो उसकी साइड हमें पता लगानी है। अगर यहाँ तो हमें पता चल गया कि 3 साइड है, पर पेरीमीटर क्या होता है, रेगुलर ट्राइंगल यानी इक्विवेलेंट ट्राइंगल है, तो हमें यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन गिवन है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से होता है। तो साइड पेरीमीटर क्या गिवन है हमें, 12.5 डिवाइड बाय
2.5। सेम यहाँ पर भी हो सकता है, ये इसकी पेरीमीटर है और ये उसकी साइड है, हमें यह पता नहीं कि यह ट्राइंगल है कि नहीं। हाँ, सिंपली इसका 2.75 है, उसका 2.5 से डिवीजन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इसकी साइड कितनी है, तो 3, यानी कि वो ट्राइंगल है। सेम यहाँ पर भी होगा, हम क्या करेंगे इसका डिवीजन, तो 125/25, पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं आपको पता चल रहा तो पॉइंट 125 है उसका यहाँ पर 10 और 25 है उसका पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10 कैंसिल आउट, 25 5 125। तो हमें जो पॉलीगन फाइंड करने को कहा है उसकी साइड कितनी होगी, 5। क्लियर। नेक्स्ट है, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किमी इन 2.2 आवर। तो सिंपली व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर बाय द इन 1 आवर। यहां पर एक कार है वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है 2.2 आवर में, तो हमें फाइंड करना है कि वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस फाइंड कितना डिस्टेंस कवर करेंगी। तो वहां पर भी सिंपली क्या होगा, डिवीजन 891/2.2। ओके, क्या था कि 8.891 इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2.2 आवर में, तो हमें फाइंड ये करना है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो जैसे हमने इसके पहले के समय किया था वैसे यहाँ पर कर सकते हैं, 1 1 पॉइंट है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे होगा वो मैंने आपको बताया, अब इसका इसका डिवीजन 9891/22, 22 4 88, 1 remain और 1 यहाँ से आएगा, तो अब 22 11 से बड़ा है तो क्या चल रहा, भाग नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो ओके 0 आएगा। अब पॉइंट लगा के 22 5 110, तो इसका आंसर क्या आएगा, 40.5 किमी, यानी 1 आवर में टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40.5 किमी डिस्टेंस कवर कर रहा है कार जो है वो 1 आवर में 40.5 किमी डिस्टेंस कर रही है। अब हम एक्सरसाइज 2.7 है उस पर जाते हैं। नाउ कम्स टू दी एक्सरसाइज 2.7। फर्स्ट सम हमें क्या गिवन है, फाइंड करने का है सम, जो डिवीजन है वही 0.4/2। तो क्या करेंगे, फर्स्ट से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अब डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन 1/2। ओके, अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है 2 2 4, 2/10 यानी 0.2, 10 था तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर 35 है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 1/5, 5 7 जा 35,
तो 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचा 7 बाय 7 और डिनोमिनेटर में 100। पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएंगे, 2 डिजिट, तो हमारे पास 7 है तो 1 0 रख देंगे, उसके बाद पॉइंट बाद में 0 तो 0.07। ओके तो इसका आंसर ये आ जाएगा। सेम यहाँ पर 248 डिवाइड बाय 100 डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन तो 1 बाय 4। 1 बाई 4 कैसा है, उसका रेसिप्रोकल करने का है। अब इसके इसके साथ डिवीजन कैंसल आउट हो रहा है, कितने आएगा 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8 तो 62 बाई 100 यानी 0.62। क्लियर। नेक्स्ट हमें 6 5 4 डिवाइड बाई 10 डिजिट, 1 डिजिट ही है पॉइंट के बाद तो 10 आएगा बाय 6, 1 बाई 6 तो यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। 1 6 जा 1 5 आएगा तो नहीं कैंसिल होगा, कुछ डिवाइड नहीं होगा, आप ऐसे देख सकते हो 6 5 4 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 0 5 तो यहाँ पर भाग नहीं हो रहा है तो 4 को हम नीचे लेंगे तो यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा। 5 9 जा 54 तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 109 डिवाइड बाई 10 डिनोमिनेटर में 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट सम है 6 5 1 2 डिवाइड बाई 10 क्योंकि कितने 1 डिजिट ही है पॉइंट के बाद तो 1 बाई 4। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 4 1 जा 6 आप यहाँ रफ में से कर सकते हो 6 5 1 2 4 1 जा 4 2 5 carry 5 6 जा 24 1 1 5 2 जा 8 3 2 5 8 जा 32 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाता है 5 1 1 8 1 6 2 8 ओके 1 6 2 8 डिवाइड बाई 10 1 6 2.8 इज द आंसर। नेक्स्ट सम है 1 4 4 9 डिवाइड बाई 100 बिकॉज डिजिट के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है। ओके तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन 1 बाई 7 अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 7 2 जा 40 0 एंड 7 7 जा 49 2 7 बाई 100 यानी हो जाएगा 0.07। ओके आप इसका डिवीजन करके भी देख सकते हो 7 2 जा 40 अब 4 आएगा तो भाग नहीं होगा तो 9 भी नीचे आ जाएगा 7 7 जा 49। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद तो हम क्या करेंगे उसमें 00 आएगा नीचे। अब यहाँ पर 4 से हम इसको कट कर डालेंगे 4 9 जा 36 एंड 4 9 जा 36 ओके 3 9 6 4 3 रिमाइंडर फिर से 36 तो यह क्या जाएगा 99 बाई 100 यानी 0.99 इज द आंसर। पार्ट वन का लास्ट सम है यहाँ पर 100 डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि 2 डिजिट है ये हो जाएगा 1 बाई 5। अब यहाँ पर 80 कैंसिल आउट हो रहा है 65 जा 80 तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.60। ओके अब नेक्स्ट
सेकंड पार्ट है वो। टू थ्री एंड फोर काफ़ी इजी है, मैंने आपको बताया कि डिवीज़न कैसे होता है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे टेन के साथ डिवीज़न, थर्ड पार्ट में हंड्रेड के साथ और फोर्थ पार्ट में थाउजेंड के साथ। सिंपली क्या करेंगे हम, जो हमें गिवन है वन डिजिट टेन के साथ अगर डिवीज़न आए तो पॉइंट सिर्फ वन डिजिट किस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.48। अगर आपको कंफर्म करना हो तो हमारा स्टेप क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो डेसिमल को, डिवीज़न है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। डिवीज़न का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड उसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/10। अब 48 10 टेन जा 100, अब कितने जीरो है, टू जीरो है, तो टू डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.48। ओके, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर भी ऐसे होगा 5 2 5 2 5। क्लियर। अब यहाँ पर यहाँ पॉइंट था तो वन डिजिट हम क्या चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। सेम यहाँ पर भी होगा 0.07 हो जाएगा। ये कैसे आएगा देखो, 7/10 हो जाएगा, ये डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन 10 7/100, तो 0.07। 20 है तो 20 और टू डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। सेम यहाँ पर 3, तो डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3.31। क्लियर, 20 है इसलिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, वन डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पर 27.223। क्लियर, कैसा आया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितने आएगी 100, इसका रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा, तो 10 1000 हो गया, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट। सेम यहाँ पर 0.056, वन डिजिट हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है। सेम यहाँ पर 0.397। कैसे आ रहा है आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया कि वन डिजिट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है। अगर हमें 10 से डिवाइड करना हो तो, अगर 100 से करना हो तो कितने डिजिट जाएंगे, टू डिजिट। यहाँ पर 100 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.027। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर था तो टू डिजिट हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है। तो यहाँ पर तो हमें टू ही गिवन है, तो आगे कुछ ना हो तो हम जीरो रख सकते हैं। इन जनरल हम इसका देख सकते हैं कि 2.7 है, उसका डिवीज़न करना है 100 के साथ। तो फर्स्ट हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब 27/1000 हो जाएगा, 110/1000, तो कितने जीरो है, 3 है, तो ये हो जाएगा 0.027। क्लियर, 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो सभी सम में हम ऐसे कर सकते हो, 100 में कितने डिजिट जाएगी, 2 डिजिट इस तरफ, तो 0.003। क्लियर, कैसे आ रहा है, 3/10 × 1/100, अब 3/1000 0.003। क्लियर, क्योंकि 30 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से इसको देख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर 1 मार्क में ये हमें पूछा जाए, इसमें क्या होगा, 0.0078। क्लियर, यहाँ पर था, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम टू डिजिट तो इस तरफ जाएंगे ही, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 100 आएगा और इसका 100, टोटल 4 डिजिट हो गए, तो इस तरफ
टू डिजिट जाना क्या है, यहाँ पर 4326 क्लियर। कैसे आया आंसर इसका 100, 1/100। अब टोटल 40 हो गए डिनोमिनेटर में, सॉरी यहाँ पर 1 ही है डिजिट के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है तो 10 आएगा, तो 3 डिजिट हो गए, 30 है तो 3 डिजिट हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे। तो ये आ गया इसका आंसर, सेम यहाँ पर 0.236 इसका आंसर आएगा 09853। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें 1000 है, 10 में क्या कर रहे थे 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पर, 1000 में सॉरी 100 में 2 डिजिट तो 1000 में 3 डिजिट, तो यह हो जाएगा 0.0079। ओके, एक ये समझ लेते हैं कि कैसे आंसर आ रहा है, 7.9 डिवाइड बाय 1000, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1000। 79 10 के इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितनी जीरो हो गई, 40, तो 4 डिजिट के बाद उसका आंसर ये आएगा। ओके, 0.0079। इन जनरल आपको 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पर डिजिट पॉइंट को ले जाना है, 0.0263। क्लियर कैसे आ रहा है, 2 डिजिट ये हो गए, आगे कुछ नहीं है तो 0 रख के हम डिजिट डेसिमल पॉइंट रख सकते हैं। सेम यहाँ पर 1000 हो तो हम 3 डिजिट इस तरफ जाएंगे, 3853। इसका आंसर क्या आएगा 0.1289। इसका आंसर 0.0005। 5 के आगे कुछ नहीं था तो हम 30 लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 से 4 तक के सम 16 रहे, अब हम उसका 5th 16th पाथ है वहाँ पर जाते। फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें जीवन है डिवीजन ही करना है, और यहाँ पर अलग अलग नंबर है, होल नंबर का डेसिमल के साथ डिवीजन और डेसिमल का डेसिमल के साथ डिवीजन। तो फर्स्ट सम हमें यहाँ पर जीवन है 7, तो 7 एज इट इज डिवीजन का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, और पहले हम डिवीजन को डिवीजन ही रखते हैं, साइन बाद में चेंज करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 10, फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। अब हम साइन चेंज करेंगे तो 10 डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, तो 35 एंड 5 2 10, तो व्हाट इज द आंसर 2। ओके, सब कैंसल हो जाता है, 7 5 35 हो रहा है तो 7 7 कैंसिल हो गए, अब 5 बचा था तो 5 2 10 हो रहा है तो 5 5 कैंसिल आउट, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर दोनों डेसिमल में गिवन है, तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, साइन बाद में चेंज करेंगे। ओके, अब 36/10 साइन चेंज होगी डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, 10 बिकम्स न्यूमिनेटर एंड 2 बिकम्स डिनोमिनेटर, 10 10 कैंसल आउट एंड 80 2 36, तो 80 इज द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट सम है, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें इसको जो डेसिमल में क्यों आना उसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5/10। अब हमें आता है फ्रैक्शन के डिवीजन हम पढ़ गए, आगे स्टडी कर चुके हैं इसे, तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन 10/5 10 कैंसल आउट
अब यहाँ पर 5-5 कैंसिल आउट ऐसा नहीं होता, सिर्फ अगर 0 हो तो 0 ही कैंसिल आउट होते हैं। ओके, ऐसा मत करना कि ये 5-5 कैंसिल आउट, ऐसा कभी होता नहीं है। कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं और 0-0 ही कैंसिल होता है। ओके, तो हम इसका डिवीजन कर डालते हैं, 3 to 5 by 5, 5 6 to 30, 2 remain, 5 carry, 2 5 is 25, तो 65 से कट हो रहा है। 65, 5 is 3 to 5, तो 65 by 10, तो व्हाट इज द आंसर, 6.5। क्लियर, 10 था तो 10 वन डिजिट के बाद पॉइंट। पहले पहला स्टेप हमारा है फ्रैक्शन में, 2 डिजिट थे तो 100, डिवीजन का डिवीजन 7 by 10। अब फर्स्ट स्टेप है वो एज इट इज, साइन चेंज, 10 न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 7 डिनोमिनेटर में, 0-0 कैंसिल आउट। अब इसका सिंपली डिवीजन करते हैं, 3 0 9 4 by 7, 7 4 जा 28, 2 remain 8, 7 7 4 जा 28, 1 2 7 2 जा 40। ओके, तो 7 के साथ पूरा कैंसिल आउट हो रहा है तो हम इसको कट कर डालेंगे, 4 4 2 4 4 2 by 10, तो 44.2 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट सम है 0.5। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 25 by 100। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप एज इट इज, सेकंड साइन चेंज एंड उसका रेसिप्रोकल, 0-0 कैंसिल आउट, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, तो इसका आंसर B2 आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सम हम देखते हैं, सेवन सेवन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो ये फ्रैक्शन वाला हो गया, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल, 100 by 25, 100 100 कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसका डिवीजन करेंगे, 7 7 5 25 25 3 जा 75, 2 5 1, ओके, 25 1 जा 25 0 0, तो 31 से पूरा कट हो रहा है, 31 इज द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट है 7 6 5 by 10, डिवाइड 50 by 100, सेकंड स्टेप ये इज इट इज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज, रेसिप्रोकल करेंगे इसका बाय 15, 0-0 कैंसिल आउट। अब 50 को इसके साथ डिवाइड कर डालेंगे, 7 6 5 by 50, 50 5 जा 75, 1 5 1, ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 51। पर यहाँ पर साइड में 10 भी हमें गिवन है, तो 51 multiply by 10 यानी 510 इज द आंसर। साइड में 10 बच रहा है तो वो भी हमें सेट उसके साथ लिखने का है, 3 7 8 by 10, डिवीजन का डिवीजन 40 by 10, 3 7 8 10 डिवाइड बाय, डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन 10 by 40, 0 0 10 10 कैंसिल। अब इसका इसके साथ डिवीजन, आप अगर दोनों तरफ सेम डिजिट के बाद हमें
पॉइंट गिवन हो तो हम डायरेक्टली इसका डिवीजन कर सकते हैं, डेसिमल जो पॉइंट है वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर भी डायरेक्ट पॉइंट उड़ जा रहा था, 100 100 कैंसिल आउट। ओके, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो अगर एग्जाम में MCQ या वन लाइनर में हमें पूछा जाए तो। 40 42 28 कितने बजे गए यहाँ पर, 9 8 47 98 0 0 27 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम है 5th पार्ट का लास्ट सम। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर डालेंगे, फिर रेसिप्रोकल फर्स्ट स्टेप एज इट इज 10 by 30 जीरो जीरो कैंसिल आउट। अब 30 के साथ इसका डिवीजन कर डालेंगे, 32 26 013। क्लियर, तो 21 से पूरा कैंसिल हो रहा है, 21 by 10 तो 2.1 इज द आंसर। क्लियर, अब इस चैप्टर का लास्ट सम है, अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किमी इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये जो सम हमें गिवन है वो सेम जो हमने सम सोल्व किया एग्जाम्पल 11 उसके जैसा ही है। तो हम फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल .432 किमी। द सेम अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपली डिवीजन 2.4। इन दोनों का डिवीजन हम फाइंड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट यहाँ से निकालेंगे तो 1 0, अब डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, ऊपर नीचे 1 1 पॉइंट है तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, पर आप इस तरह से भी कर सकते हो, 10 10 कैंसिल। अब इन दोनों का डिवीजन 4 3 2 2 4 24 1 24 30 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 1 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 24 मल्टीप्लाई बाय 8 8 4 जा 32 थ्रू 8 2 जा 60 प्लस 3 198 192। ओके, तो ये पूरा कट रहा है तो कितना होगा, 80। तो 1 लीटर में 80 किमी डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हो। ओके।